नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। बिहार में एक बार फिर से चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। बिहार में एमएलसी की दो सीटों के लिए चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने वाली है। खबर मीडिया में खबरें तेजी से चल रही हैं। आपको बता दें कि 28 जनवरी को बिहार में एमएलसी की दो सीटों के लिए चुनाव होना है। इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि इन दोनों सीटों में से दो सीटों में से एक सीट, यानी कि एक सीट अशोक चौधरी और एक सीट वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी के खाते में जा सकती है। आपको बता दें कि जो दो सीटें खाली हुई है, ये दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में थी इससे पहले, लेकिन अब इन दोनों सीटों को जदयू और वीआईपी के खाते में जाने की बात कही जा रही है। तो आइए अब हम जानते हैं विस्तार से आखिर इन दोनों सीटों की पूरा राजनीति यानी कि गणित क्या है। आपको बता दें कि जो दो सीटें जो खाली हो रही है उसमें से एक सीट विनोद कुमार झा की है और दूसरी सीट जो है वह है सुशील कुमार मोदी की। सुशील कुमार मोदी वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, तो अब उनके बदले में ये सीट खाली हुई है। इससे पहले जो सीटें बीजेपी की जो खाली हुई वह है विनोद कुमार झा की, वो भी बिहार में विधायक हो गए हैं। तो इसके बाद से ये दोनों सीटें खाली हो गई हैं। अभी बिहार में वर्तमान में जो विधायकों का और मंत्रिमंडल की जो स्थिति है उसमें दो ऐसे मंत्री हैं जो बिहार में किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि अशोक चौधरी और मुकेश सहनी को इन दोनों सीटों में रखा जा सकता है, इस खांचे में सेट किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या इन दोनों सीटें जो बीजेपी के खाते में हैं ये जदयू और वीआईपी के खाते में जाएंगी, इसको लेकर अभी अटकलें तेज है। आपको बता दें कि इन दोनों सीटों को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें कहा गया है कि 11 जनवरी को इसके लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी और इसको 18 जनवरी को इसका नामांकन होगा। 19 जनवरी को नामांकन वापस लेने की बात कही गई है। उसके बाद 28 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक मतदान कराए जाने की बात कही गई है। अब हम ऐसे जान लेते हैं कि इनके जो दो सीटें जो खाली हो रही है उसमें से एक सीट 6 मई 2024 को समाप्त होगी, उसका कार्यकाल समाप्त होगा। उसके बाद जो एक दूसरी सीट है उसका कार्यकाल 21 जुलाई 2022 को समाप्त होगी। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी की सीट जो है वो 2024 में समाप्त होनी थी और विनोद कुमार झा की जो सीट है वो 2022 में समाप्त होनी थी। तो ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये दोनों जो मंत्री जिन्हें एमएलसी बनाया जा सकता है, क्या वे इन तीन कम सीटों के लिए वो बिहार में एमएलसी बन सकते हैं, क्योंकि ये जो सरकार है ये 2025 तक चलनी है। अगर दोनों की गठबंधन अच्छे तरीके से चले तो 2025 तक चलेगी। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि क्या ये दोनों इन सीटों में आ सकते हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसे अब तक जो कयास लगाया जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व जो है इसको लेकर बात कर सकती है आगे जब इसकी अधिसूचना जारी होगी। अब तक ना तो जदयू, ना वीआईपी और ना ही बीजेपी की तरफ से कोई इसको लेकर प्रतिक्रिया जारी की गई है। ऐसे में सिर्फ मीडिया में कयास लगाया जा रहा है कि ये दोनों सीटें अशोक चौधरी और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के खाते में जा सकती है, क्योंकि दोनों ही बिहार में ना तो किसी सदन के सदस्य हैं और बिहार में वो दोनों मंत्री हैं। ऐसे में 6 महीने के अंदर दोनों को किसी न किसी सदन का सदस्य होना होगा। इसको लेकर अब जो कयास ये बातें कही जा रही है अशोक चौधरी और मुकेश सहनी को लेकर कि ये दोनों बिहार में विधानसभा या फिर विधानमंडल के सदस्य बन सकते हैं। तो बिहार की राजनीति से जुड़े हुए और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।